कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो बातें बताऊंगा। पहली बात है ये कि अभी स्विगी में आप कितने ऑर्डर वीकली कैंसिल कर सकते हैं, और अगर आप अनलिमिटेड ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो उसके चार्जेस कितने आपका माइनस होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। और फिर दूसरी बात है ये कि मैं आपको अभी इसी वीडियो में 4 दिन की अर्निंग भी दिखाऊंगा, ठीक है। 4 दिन की जो अर्निंग है वो कितनी होती है पार्ट टाइम के लिए, 4 आवर्स जो लॉगिन रहते हैं डेली, उसके लिए मैं आपको अर्निंग भी दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो ऑर्डर कैंसिलेशन का जो प्राइस है कितना रुपये माइनस होता है, और गाइस कितने ऑर्डर आप कैंसिलेशन कर सकते हैं वीकली में। तो गाइस सबसे पहले मैं चलता हूँ स्विगी एप्लीकेशन में, तो यहाँ पर मैं आकर के लॉगिन करता हूँ। तो ये मेरी आईडी है, मैं इसको यहाँ से करता हूँ कंटिन्यू, और उसके बाद अभी एक OTP आएगा, ये लॉगिन हो जाएगा। तो गाइस ये लॉगिन हो चुका है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि अभी आप एक वीक में यानी कि 7 दिन के अंदर आप 3 ऑर्डर से ज़्यादा कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अगर आप 3 ऑर्डर से ज़्यादा कैंसिल करते हैं दोस्तों, तो आपको 40 रुपीज़ पर ऑर्डर का चार्ज काटेगा आपसे, आपके अर्निंग से माइनस हो जाएगा, ठीक है। मेरा माइनस हुआ है तो मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ चलता हूँ अर्निंग एंड इंसेंटिव में, और दोस्तों यहाँ में जो उस वीक का मेरा अर्निंग था, देखिए ये जो देखिए माइनस हुआ है 80 रुपीज़ एडजस्टमेंट का। तो जो 80 रुपीज़ माइनस हुआ है वो मैं यहाँ जो मंडे 19 अगस्त का मेरा जो अर्निंग हुआ था उसमें से माइनस हुआ है, बिकॉज उस वीक में मैंने 3 ऑर्डर से ज़्यादा यानी कि 3 और 2 5 ऑर्डर कैंसिल किए, जिसमें से मुझे 2 ऑर्डर का जो माइनस है वो जो पैसा वो काट लिया गया है। तो ये देखिए 19 अगस्त का जो ऑर्डर है गाइस, यहाँ लिखा हुआ है ₹40 डिडक्शन फॉर एवरी रिजेक्ट आफ्टर 3 रिजेक्ट। तो फ्रेंड्स मैंने 3 रिजेक्ट के बाद और 2 किए थे रिजेक्ट, जिसका वजह से मुझे 40-80 रुपया का माइनस हो गया मेरा अकाउंट से, ठीक है। तो गाइस अभी ये बात है कि आप कुल गाइस वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ मैं, जो यहाँ पे जो काम करते हैं वेस्ट बंगाल में, उसके लिए अभी नियम हो गया है कि अगर आप 3 ऑर्डर से अधिक कैंसिल करते हैं तो आपको चार्ज काटेगा। पहले ये ऐसा नहीं था, पहले अब जितना चाहो उतना कम से कम अगर आप कैंसिल करते भी हो तो आपको कोई चार्ज फार्ज नहीं लग रहा था, बट अभी चार्ज लग रहा है, कुछ दिन से एक कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको दिखाऊँ मेरा अर्निंग के बारे में, अब मैं बात करता हूँ। अब मैं जो मेरा अर्निंग हुआ है गाइस 4 दिन का, इस वीक में जो मेरा अर्निंग हुआ है वो गाइस इस वीक का जो मेरा अर्निंग है वो है ₹1149, ठीक है। तो ₹1149 का जो गाइस अर्निंग हुआ, ये पार्ट टाइम का अर्निंग है 4 दिन का। तो इसमें एक्चुअली 3 दिन में अर्निंग कुछ खास नहीं हुआ था, बट कल जो अर्निंग हुआ उसका थोड़ा वीडियो मैं आपको जो उसका मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके। तो देखिए मैं आ गया हूँ अर्निंग एंड इंसेंटिव। तो देखिए गाइस ये जो 4 दिन का अर्निंग है ₹258 मंडे को था गाइस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ₹189 20 अगस्त को, ट्यूसडे को, 21 तारीख को था, वेडनेसडे को ₹210, और फिर थर्सडे को था 22 अगस्त को, यानी कि कल ₹492। तो गाइस ये जो 3 दिन का अर्निंग देख रहे हैं आप, उस दिन ऑर्डर्स बहुत कम थे और अभी ऑलरेडी पैसे बहुत सारे कमा दिए स्विगी में ऑर्डर्स के, अधिक पैसे नहीं मिलते हैं। पर ऑर्डर आपको 35 रुपीज़ ही मिलता है मिनिमम, मैक्सिमम आप बोल सकते हैं, क्योंकि अभी आप 3 या 4 किलोमीटर के आसपास ही आपको गाइस 35 ही मिलता है, 5 के आसपास भी आपको उतना ही मिलता है, आपको अभी 40-50 रुपये नहीं मिलता है। तो अभी जिस दिन बारिश होती है उस दिन थोड़ी अर्निंग अच्छी होती है। तो गाइस ये जो 22 अगस्त को बारिश हुई थी तो उसमें मेरा अर्निंग हुआ है। इसमें मैं आपको दिखाऊँ ऑर्डर, पहला जो गाइस आया था ऑर्डर 7:19 के शाम को 74 रुपीज़ का, फिर आया 72 रुपीज़ का, फिर 68 का, फिर 50 का, फिर 56 का, फिर 62 का, फिर एक आया था बैच ऑर्डर 25 का। गाइस ये सारे ऑर्डर्स में रेन मोड इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसीलिए इतने इतने प्राइस दिया गया है, प्लस 22 की वजह से ये जो प्राइस है ऑर्डर का उधर बढ़ा दिया जाता है। ऐसे में अगर आप काम करते हैं बारिश नहीं होती है तो आपको जो मैं दिखा दूँ जो पर ऑर्डर है कितने मिलते हैं गाइस, ये देखिए 35, 40, 42, 35, 35, 36, 35। तो ऐसे गाइस फिर ठीक है, और मैं दिखाऊँ आपको ये देखिए इस दिन का गाइस ऑर्डर जो है वेडनेसडे 21 अगस्त को, इसमें मुझे 35 से ऊपर अधिक मिला ही नहीं,
देख सकते हैं आप सारे ऑर्डर 35 का ही है, 35 जो भी है, 6 ऑर्डर 35 रुपीज़ का ही हुआ था, जितने भी चाहे डिस्टेंस हो मुझे इतने ही मिला था। बिकॉज जिस दिन बारिश नहीं होती उस दिन ऑर्डर्स तो ऐसे ही कम रहते हैं, प्लस जो अर्निंग है वो बहुत कम हो जाती है पार्ट टाइम के लिए जो 4 घंटे लॉगिन करते हैं, ठीक है, तो ये उसका अर्निंग है। और ये जो 189 रुपीज़ का हुआ है इसमें अभी आप देखिए 35, 35, 35, 38, 46, तो ऐसे करके 189 हुआ था ट्यूसडे को। बस ये चारों दिन का ऑर्डर्स अर्निंग मिला के मेरा जो टोटल हुआ था वो हुआ था 1064 रुपया, जिसमें से मुझे 85 रुपीज़ का इंसेंटिव मिला। अब गाइस 85 रुपीज़ का जो इंसेंटिव मिला मुझे, 85 रुपीज़ का जो इंसेंटिव मैं आपको दिखा दूँ, ये जो कल है, कल का दो इंसेंटिव, पहला इंसेंटिव रेन मोड के लिए जिसमें मुझे 50 रुपया मिला, और एक डेली इंसेंटिव अर्निंग रुपीज़ 320, 320 रुपये से अधिक मेरा अर्निंग हुआ था उसके वजह से मुझे 35 रुपीज़ का इंसेंटिव मिला। तो ये सब मिला के मेरा 492 रुपया कल हुआ 4 घंटे में। तो गाइस कभी कभी स्विगी में आप अधिक भी कमा लेते हैं अगर बारिश होती है तो, और नहीं तो ऐसे में अगर ऑर्डर्स कम रहा तो ये देख रहे हैं आप 4 घंटे में 200 के आसपास पहुँचते हैं। और फ्रेंड्स इसमें अगर आप बारिश में काम करते हैं तो थोड़ा बहुत परेशानी तो होती है बट अर्निंग अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो अर्निंग को लेकर के और कितने ऑर्डर आप कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग वीकली में 3 ऑर्डर से अधिक कैंसिल ना करें, वरना आपके बहुत सारे पैसे माइनस हो जाएंगे। और आप 3-4 ऑर्डर से कैंसिल अगर अधिक करते हैं एक दिन में 4 ऑर्डर तो आप उस दिन लॉगिन भी नहीं कर पाएंगे सारा दिन, ठीक है। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच जो वीडियो देखने के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।